दोस्तों, मेरा नाम अंकेश शर्मा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद मातरम। दोस्तों, रॉयल इनफील्ड बुलेट का नाम तो आपने सुना ही होगा। हिंदुस्तान में इसे युवा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा रोडों पे दिखती है और बहुत भारी आती है, बहुत स्टाइलिश गाड़ी लगती है। इसके ऊपर आज ड्राइंग बनाएंगे, इसी की ड्राइंग बनाएंगे। तो देखिए किस प्रकार से, पूरा वीडियो देखिएगा किस प्रकार से ड्राइंग बनेगी। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करेंगे आगे वाले टायर को बनाता हूँ मैं। ये सबसे पहले आगे का टायर, मैं सर्कल बनाने के लिए कोई स्पेशल चीज यूज में नहीं ले रहा हूँ, हाथ से बना रहा हूँ तो थोड़ी मिस्टेक हो जाए, उसके लिए माफी मांगता हूँ। ये आगे का टायर, ये रिंग और ये इसकी ताड़ियां बना देते हैं। सबसे पहले आप भी इसी प्रकार बनाएंगे, ध्यान रखिए। सबसे पहले पहिया और बीच में सर्कल जिसको ड्रम कहा जाता है, और ये ताड़ियां। उसके बाद यहां से शोकर जो निकलते हैं, जिस पे जाके हमारा हैंडल और हेडलाइट अटैच होती है, वो बनाएंगे। और फिर ये गाड़ी का मरकरार्ट जो बनता है वो बनाएंगे, ऐसे इतना बना लेना। उसके बाद उसकी हेडलाइट मोटी सी होती है, इस टाइप की सिंपल सी गोल, कोई भी फैशनेबल स्टाइलिश नहीं होती, सिंपल सी होती है, फिर भी काफ़ी अच्छी लगती है, इस टाइप की हेडलाइट। उसके बाद यहीं पर ही उसका एक छोटा सा मीटर होता है, ऐसे ये बना लेंगे। और फिर ये उसके हैंडल, एक हैंडल यहाँ पर, दूसरा ऐसे जाके, और यहाँ पर ऐसे ही हैंडल बन जाएगा। अब बनाने का है टंकी, ये टंकी कैसे बनेगी, ये हम टंकी बना दिए हैं ऐसे, ये टंकी बन गई। अब इतना बनाने के बाद इसकी सीट बना देते हैं ऐसे, ये इसकी सीट। अब टायर बनाएंगे यहाँ, और गाड़ियों में तो ये टायर यहाँ रहता है, सीट पीछे तक निकली हुई रहती है, लेकिन रॉयल इनफील्ड बुलेट में जो 350 जिसे बोलते हैं, उसमें टायर काफ़ी पीछे तक रहता है, सीट छोटी और टायर पीछे तक, और उसका जो साइलेंसर वो भी पीछे तक। तो टायर हम यहाँ न बना के यहाँ बनाएंगे, उसके लिए वही प्रोसेस जैसे आगे का बनाया है वैसे ही आप कोई भी प्रकार या फिर कोई रिंग यूज में ले सकते हैं। मैं हाथों पर कंट्रोल के करके सर्कल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत अगर गलत बन जाए तो उसके लिए सॉरी। ये पीछे का टायर ऐसे बनेगा, ये ड्रम और फिर ये टायर की ताड़ियाँ, ऐसे। अब आगे का प्रोसेस क्या रहेगा, अब क्या बनाएंगे, इसका जो मरकरार्ट है वो बनाएंगे ऐसे। उसके बाद इस टंकी के पास में यहाँ पर क्या रहता है, एक लॉकर रहता है, आपने देखा होगा ध्यान से, इस टाइप का एक लॉकर सा रहता है, वो बना देंगे। ये बनाने के बाद यहाँ पर बनाएंगे हम इंजन का ऊपर वाला पार्ट, इसे क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, शायद इसे चेचिस कहा जाता है, वो बनाएंगे। और फिर बुलेट का इंजन जो भारी भरकम होता है, दोस्तों इस गाड़ी का वेट सबसे ज़्यादा होता है, 200 किलो की होती है रॉयल इनफील्ड बुलेट। और जो गाड़ियाँ आती हैं वो होती है 90 किलो, 100 किलो या 110 किलो तक, बुलेट 200 किलो की आती है, काफ़ी भारी रहती है ये गाड़ी। ये यहाँ बनाएंगे और एक यहाँ एक छोटा सा ऐसे बनाएंगे। उसके बाद इसका जो साइलेंसर होता है वो यहाँ से आके ऐसे राउंड लेके घूमता है और पीछे तक रहता है, ये उस साइड में रहता है। तो मैं ताड़ियों के पीछे से ऐसे बना के इसे ऐसे निकाल देता हूँ, ऐसे रहता है,
यहाँ पर इसकी बैक लाइट होती है, यहाँ लिखा रहता है 350 बुलेट, यहाँ लिखा रहता है इनफील्ड। इतना करने के बाद अब इसमें हम क्या करेंगे, कलरिंग करेंगे। क्योंकि ब्लैक कलर की होती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें जितना हो सके उतना ब्लैक कलर कर दूँ।